दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पांडुचोरी में। बाकी देख लो सुबह सुबह का नजारा काफी। दोस्तों यहाँ पर जो पूजा होती है, आग सेक रहा था तो देख लो आंटी जी ने मुझे दो रोटी दी भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भूख लग गई थी। तो बढ़िया करके भगवान जी के दर्शन भी हो गए, दर्शन फटाफट हो रहे हैं यहाँ, यानी कि बाकी भाई दोस्तों देख लो फरे पान में हमने दूध भी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दी। देसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, बहुत बढ़िया। और आज पहली बार मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बात तो भाई यही पर मिले हमको हमारे दीप भाई। भाई कैसे हो? नमस्कार दोस्तों। नमस्ते तुम्हें, ठीक है आंटी जी? ठीक है भाभी, भाई 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 भाई। तो समय हो रहा है 12:05। बाकी भाई मौसम की बात करें, मौसम तो काफी अच्छा है। अब हम नाश्ता करते हैं क्योंकि सुबह लेट उठे, वीडियो एडिटिंग की फिर वीडियो अपलोड की, और अब जाके हम नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव तिमलखाल से। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात, तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है अंकित भाई के गांव से, यानी कि तिमलखाल से। दोस्तों मौसम की बात करें, मौसम तो काफी अच्छा है, बड़ी अच्छी खासी धूप लगी है। सामने है भाई माल्टे का पेड़, अभी हमने दो चार माल्टे खाए जो कि भाई बहुत टेस्टी हो रहे थे। भेजी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे मेरे भाई? बस भेजी आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा यार। चलो बढ़िया बढ़िया, और सब बढ़िया भाई? कुछ ही लोग हैं हाँ जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं, और भाई आप भी हो। अरे भाई, और अपना अपने स्वभाव को ना चेंज मत करना। अरे ना 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 ना, दुनिया ही रहना, दुनिया बदल जाएगी। हम पता है कि अगले 2-3 सालों में ना तुम बहुत ऊंचाई पे रहोगे। सब आपका प्यार आशीर्वाद। पहले भी नाश्ता कर ले, तब भी ऐसे ही रहना। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई भूख ना इसको खींचे जा रही है। बड़ा आदमी बनना इसे पसंद नहीं, पहले इसे भूख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर बैठा आंटी जी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा तब? ठंडा कितना हो रहा? पानी तो बेटा बहुत ज्यादा है। बन गया नाश्ता तेरे को? नहीं भाई, तेरी टी शर्ट देख के किसको लग रहा है कि ठंड है? हाँ वो तो है भाई, अभी मैं जवान हूँ ना अंकल जी। अंकल जी मुझसे जवान है। अरे वाह, काम करते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल जी सुबह 4 बजे उठ गए थे और अंकल जी के साथ 5 बजे मैं उठ गया था। क्यों? ठंडे पानी से नहाया। चलो बढ़िया है, जो भी है अब हम नाश्ता करेंगे भाई। पहले भेजी चुपचाप खा लेते थे, पर अब ये भी बढ़। और सामने भाभी, भाभी प्रणाम। राधे राधे, कैसे हो? ठीक हो आप? अरे वाह, अच्छी तो आप हो ही। अब देख लो भाई, भाभी जी ने सुबह सुबह भाई चाय भी पिलाई, उसके बाद मेरे कपड़े भी धुले। बताओ ऐसी भाभी कहाँ मिलेगी? क्यों मेरी? अच्छा धोने। जो भी है, और नाश्ता भी बना रहे भाभी। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में सब्जी बनाई, छीमे और आलू की, और मिर्च का अचार हो गया। मम्मी ने सिलबट्टे में अलग से चटनी पीसी है, और चाय गरम पानी। अरे वाह 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 वाह, और क्या चाहिए? क्यों भेजी, हम तो धन्य हो गए। खास करके मैं आपको तो भी, आपको तो मिलता होगा भाभी के हाथ का खाना। क्यों? अरे चलो बढ़िया बढ़िया, खुद बनाने से याद आएगी भाई, अपने कपड़े खुद धुल लेते यार। अरे नहीं, जब जब इतनी अच्छी भाभी मिल रखी है तो मैं क्यों धुलूं? क्यों भाभी? अरे हाँ, मैं भाभी के लिए स्पेशल चॉकलेट लाया मैं। और मैंने नहीं लाया। अरे आप तो भैया, आप कुछ और दे देना। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है ना चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। अच्छा, पर चॉकलेट तो अच्छी होती है। हाँ इसीलिए मैं लाया। तो चलो बढ़िया है, दांत भी जल्दी खराब। तो चलो अभी ऐसा करते हैं, फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। रविंदर भाई और अंकित भाई तो जा रखे हैं भाई पाबो, तो हम तो हमने बहुत बर्दाश्त कर दिया भाई। अरे वाह, पहुंच गए भाई अंकित भाई और पाठी भाई आगे। तो अभी दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से निकलने की, यानी कि बिंदेश्वर महादेव जाने की। ठीक है ठीक है आंटी जी, ठीक है भाभी, बाय 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 बाय। अरे वाह 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 वाह। ओहो, अरे तुम रहने दो, तुम यही रहो। हो गया तुम यही रहो। तो बाकी दोस्तों पिछली बार हम पौड़ी अंकित भाई की शादी के लिए आए थे, पर यहाँ कुछ घूमने का मौका नहीं मिला था। इस बार हम फुर्सत से घूमने आए भाई, यहाँ पर मेला आए तो बढ़िया करके भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। कि भाई दोस्तों तिमलखाल में काफी सारे पुराने घर हैं, ये देख लो भाई, सारे घर आपको पटाली वाले दिखेंगे जो कि काफी प्यारे हैं भाई। बड़ा प्रणाम, ठीक हो? देख लो भाई कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से घर हैं। बाकी देख लो भाई, नीचे गौशाला है, ऊपर घर है, पर भाई पलायन बहुत ज्यादा है, यानी कि ये सारे घर छोड़ रखे हैं लोगों के।
अभी दोस्तों हम सभी लोग रोड में आ गए हैं और इधर अपने भाई हैं। भाई का नाम मुझे पता नहीं है। हिमांशु भाई, कैसा लग रहा भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भाई के साथ हमारा ये पहला ट्रैक होने वाला है, क्यों? हाँ भाई, भेजिए चले। भेजी चलो बोला। तैयार हो? बहुत सुबह हो गया था मैं तैयार। अच्छा, तुम्हारे चक्कर में। हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया। और बाकी इधर अंकित भाई है, पानी पी रहे। पूछ गई प्यास? पहली बार। चले हम। हाँ बैठे हैं। हाँ जी चले। अच्छा, अरे ये विंसर महादेव। हर हर महादेव। चलो भाई, अभी हम निकल चुके हैं। तो अभी दोस्तों अपने सफर में आगे चलते हुए हम पहुंच चुके हैं भाई जबरोली गांव में। बाकी यहां सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर है, उसको आपको बढ़िया करके दिखा देते हैं। तो आपको जो ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये है केदार ज्योतिर्लिंग। आप ये ठीक सामने गांव देख सकते हैं, ये भाई पिनानी गांव, जो कि माननीय रमेश निशंक जी का गाँव है। तो अपने सफर में चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भाई चौरीखाल। चौरीखाल में हम काफी प्यारी लोकेशन पर रुके हैं। यहाँ पे एक ढाबा है और यहाँ पर भाई चाय बन रही है। अभी थोड़ी देर में गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। भाई को तो बहुत ठंडा लग रहा है, भाई के लिए मैगी बना रखी है। ठंडी ठंडी। हाँ हाँ, ठंडी चाय या गर्म चाय? गर्म चाय, ठंडी चाय जो भी है, पर पीनी है। ठीक है, हम तो अभी दोस्तों बढ़िया करके हमने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं अपने सफर में। अंकित भाई, कहाँ जा रहे हैं हम? बिंदेश्वर महादेव। कब तक पहुंचेंगे? कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। नहीं चलो, बढ़िया बढ़िया। बाकी ये रहा भाई आपका थलीसैंण मार्केट। बाकी ये भाई लोग तो आगे जा रखे हैं। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति द्वार पे, और यहां से हमको जाना है, मुझे भी नहीं पता कहां जाना है, वो अंकित भाई बताएंगे। बाकी जेपी भाई तो कार पार कर रहे हैं। बाकी भाई दोस्तों अभी रात के 6:30 बज रहे हैं, हमको यही अंधेरा हो गया और यहां से अब हमको पैदल जाना है। बाकी भाई देख लो, यहां पर काफी सारी गाय है। जय गौ माता, जय प्रभु, हरि हरि, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोस्तों ये रही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति, और ये रहा इनका जीवन परिचय। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891, 1 अक्टूबर 1979 को हुआ था। जन्म स्थान रणसेरा, वर्तमान नामो मासोपौड़ी गढ़वाल। बाकी भाई दोस्तों अपने देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं जब ऐसे स्मारक देखता हूँ, जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, भगत सिंह, ऐसे कई जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी कि जिन्होंने हमारे देश के लिए काफी सारे योगदान दिए हैं, पर अंदर से पता नहीं कुछ अजीब सा हो जाता है। क्योंकि पहले हमारी भी इच्छा थी फौज में जाने की, वो नहीं हुए वो अलग बात है, पर जुनून था, अभी भी है, खून है। तो इस जगह का नाम है पीटीसैंण, और पीटीसैंण से हमको 12 किलोमीटर पैदल चलना है। रात तो हमको यही होगी, लगभग 10 या 11 बजे तक पहुंचेंगे हम, और वो भी भाई खड़ी चढ़ाई है, क्या बताएं। जो पैदल ट्रैक है वो यहाँ से शुरू होता है। चलो भाई, चलो 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 चलो, चलो। आगे तो अंकित भाई और हिमांशु भाई चल रहे हैं। भाई जो और जो हमारा सामान है वो इस बैग में है, वो हिमांशु भाई ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई इन्हें आदत है ट्रैक की। अरे पाड़ी भाई, जेपी भाई, कैसा लग रहा है भाई जी? थकान लग रही है। थकान लग रही है। ये भाई जो ट्रैक होने वाला है वो काफी लंबा होने वाला है, और पहली बार हम रात में ट्रैक कर रहे हैं, क्यों भाई जी? एक पे खोला दोनों तरफ। तो अभी दोस्तों रास्ते में चल ही रहे थे, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई भाई, यानी कि भेजी का सिलेक्शन हो गया सरकारी नौकरी में। बहुत बहुत बधाई। और पहले मुझे पता नहीं था हुआ किसने, क्यों पाड़ी भाई? ये बोल रहे क्या विभाग होता है ये तो भाई, सरकारी, ये पता था सरकारी नौकरी। हाँ भाई, आप सभी का ना बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पल, ये मोमेंट्स याद रहेगा वो जिंदगी भर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब ज्यादा इसलिए भी रहेगा ना, ये सारे मेरे साथ हैं, जो जो मेरे जिंदगी भर के सही बात है।
अब वो तो मेरे वही हैं रिश्तेदार। हुआ भी किसमें? तुम लोग हो। हुआ भी किसमें? उद्यान विभाग में ना। अब भैजी से मैं यही बात कर रहा था सुबह, मैंने कहा यार कीवी का नहीं चाहिए था। और भैजी ने बोला पेड़ मिल जाएंगे। बढ़िया। चलो भाई बेग मार भाई, हर हर महादेव। तो अभी भी हमको यहाँ से काफी दूर जाना है, अभी हम आए होंगे 3 या 4 किलोमीटर भाई। भाई साहब देख लो भाई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो ऐसा है जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। जय हो। अभी दोस्तों चलते चलते अभी हम रुके हैं एक काफी प्यारी लोकेशन पर, और बाकी भाई हम यहाँ पर चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारी ट्रैक की पहली चाय होगी वो यहाँ पर होगी भाई। बाकी अंकित भाई और इधर हिमांशु भाई ने लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी हैं, तो फटाफट पहले आग जलाते हैं उसके बाद चाय बनाते हैं भाई। तो यहाँ से काफी सारे गांव दिख रहे हैं, अभी तो गांव क्या दिखेंगे, पर काफी सारी लाइटें जली है, और जहाँ जहाँ लाइटें जली है वो सारे गांव है भाई। यानी कि दिन को यहाँ से काफी प्यारा नजारा दिखता होगा भाई, और ये पूरा एरिया पूरा जंगल से भरा है। बाकी नीचे खाई है इसीलिए मैं पीछे पीछे रहता हूँ। अंकित भाई आराम से। चलो भाई हमारी आग भी जल गई है, अब बढ़िया करके चाय बना दे, चाय गर्मा गर्म चाय। अरे वाह। बाकी भाई दोस्तों देख लो, परे पान में हमने दूध भी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दी, गर्मा गर्म चाय बनने ही वाली है। तेरी याद मुझे तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हाल में जो तुम जाओगे सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। पर भाई चले गए सब, चले गई वो पगली मुझको छोड़ के, कब का मामा भी बना लिया है अब तो। अभी दोस्तों बढ़िया करके यहाँ पर चाय भी पी ली है, अब हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से आगे निकलने की। चले भाई चलो 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 जी चलो जी। और बाकी भाई दोस्तों देख लो काफी मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, और क्या ही बताएं ना। मिलना बिछड़ना उसके हाथ में, सफर का ही था मैं सफर में रहा। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। ला 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 ला। सफर में चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भाई पांडव चौरी। ये रहा अपना पांडव चौरी, यहाँ पे कहा जाता है, अंकित भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर भाई 5 भाई पांडव ने विश्राम किया था। भैजी कैसा लग रहा? बोला बहुत आनंद आ रहा है सच में है? चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, होती है क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भाई यहाँ पे सुकून मिल रहा है। सही बात है भाई, आपको कैसा लग रहा? बहुत मजा आया भाई। और भाई के लिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी और अंकित भाई, ये बैग उठाए जा रहे हैं, ये तो बहुत भयंकर ट्रैकर है यार। तो चलो भाई आसान इन्होंने किया। सही बात है, ये देख लो भाई यहाँ पर पांडवों ने विश्राम किया था। हे प्रभु सब तेरी माया है, बस पार कर देना। जय हो जय हो जय हो। ये देख लो भाई, ये है भाई अपनी पांडव चौरी। जय हो प्रभु। बाकी भाई दोस्तों काफी लंबा सफर तय करने के बाद ओहो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिंदेश्वर महादेव के गेट पर। और भाई साहब अभी हमने अंदर एंट्री कर दी है, बाकी सामने रहा भगवान जी का मंदिर। और भाई साहब जो एनर्जी आ रही है और जो आज इतना बढ़िया फील हो रहा है क्या बताऊं। नीचे इतनी भयंकर वाली भीड़ है आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ काफी सारे भाई लोग आ रखे हैं जिनकी यहाँ आग जला रखी है, कोई कहीं बैठे है, कोई कहीं बैठे है। हर हर महादेव भाई, और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे वाह 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 वाह। हेलो भाई क्या हाल है? यात्रा बस भाई बढ़िया रही, और सब बढ़िया? हाँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने 50 फोन कर दिए। अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका। और बाकी दोस्तों ठीक सामने रहा बिंदेश्वर महादेव का मंदिर। जय हो प्रभु। अभी थोड़ी देर में हम मंदिर में जाएंगे। अभी दोस्तों मैं बैठा हूँ इधर ताई लोगों के साथ। और आप कहाँ से हो? ककाचन तुम ककवे सुपोड़ी ना तिरपल सैन। हाँ तो देख लो भाई ये भी पौड़ी के है। बाकी मैं यहाँ पे आग सेक रहा था तो देख लो आंटी जी ने मुझे 2 रोटी दी भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भूख लग गई थी। होटल तो भाई यहाँ है नहीं, होटल सारे बुक है, सारे बंद हैं, और खाना कहीं भी नहीं मिल रहा। वैसे तो ऊपर दोस्त लोग मैगी वगैरह बना रहे हैं, पर मैगी मैं बहुत कम खाता हूँ ना। हो गया ज़्यादा मत दो, हो गया 2 रोटी बहुत है, बहुत बनी 2 रोटी। तो भाई देख लो बढ़िया करके रोटी खाते हैं।
अरे बाकी मैं देख लो, मात्र शक्तियाँ चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, पर प्यार हर किसी के, प्यार हर किसी के पास रहता है। दया भाई, चलो बढ़िया भाई, इनको देख के अपनी माँ जी की याद आ गई। तो चलो अभी बढ़िया करके रोटी खा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके रोटी भी खा ली है, चाय भी पी ली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका, जो आपने मुझे रोटी खिलाई। ठीक है तब, ठीक है आंटी जी तब, अभी उन्होंने ठीक बाय थैंक यू भाई। दोस्तों देख लो यार, इतने सारे लोग हैं पर आंटी जी ने मुझे रोटी खिलाई। चलो बढ़िया है, अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही होता है। थैंक यू गॉड। अब बढ़िया करके मैं सो जाता हूँ। भाई दोस्तों अभी भाई लोगों ने गर्मा गर्म मैगी भी बना दी है। भेजी तुम ये आ गए हैं, कैसा हो रहा भेजी? बढ़िया हो रही है। हाँ भाई बहुत ही बढ़िया बनी है भाई। अच्छा भले मैंने टेस्ट नहीं किया। तू तो यार खतरनाक है। हाँ भाई खा लो तुम भी हैं। अंकित भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए अभी। तो अभी दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं। बाकी भाई कल था मैं इधर झबू भाई के साथ। हेलो भाई, ठीक है तब दर्शन करने चलते है। अभी दोस्तों सामने रहा भगवान जी का मंदिर, और इस मंदिर में पहली बार आना हो रहा है। अब बढ़िया करके दर्शन कर लेता हूँ। बाकी के भाई लोगों ने तो दर्शन कर दिए हैं, और मैं ही बच रखा हूँ। हे प्रभु सब तेरी माया है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। और भीड़ देख लो भाई, काफी सारी भीड़ है मंदिर में। तो बढ़िया करके भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं। मुझे लगा बहुत सारी भीड़ होगी पर दर्शन फटाफट हो रहे हैं। यहाँ अब चलते हैं। जय हो प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना। तो भीड़ देख लो कितनी सारी भीड़ है, काफी सारे लोग आ रखे हैं। तो इधर नाच रहे हैं। जय हो, नाचने का मन तो मेरा भी कर रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखता है। जय हो। दोस्तों यहाँ पर जो पूजा होती है वो नारायण और महादेव की होती है। और महादेव जय हो। और बाकी में दोस्तों अभी मैंने पंडित जी को पूछा कि यहाँ पर किस किस भगवान की पूजा होती है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि 64 देवी देवताओं की पूजा यही होती है, यानी कि यहाँ 64 देवी देवताओं की पूजा होती है। और देख लो मंदिर के पीछे कुछ इस प्रकार से काफी सारे छोटे बड़े मंदिर बन रखे हैं यहाँ, और काफी सारी दुकानें भी हैं देख लो। जय हो प्रभु एक बार। तो चलो भाई बढ़िया करके दर्शन हो गए हैं। भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे ऊपर पे, तो मैं फटाफट से ऊपर चलता हूँ। बढ़िया करके दर्शन भी हो गए हैं। दर्शन करने के बाद अभी मुझे अपना दोस्त मिला है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। और आज पहली बार मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, बात हमारी होती रहती है दोस्तों। और आज यहाँ पर पहुँचे हैं लोकेश बार भाई, तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। वैसे भाई हमारी बात पहले फोन पे हुई थी, भाई ने बोला था कि भाई बिनसर महादेव आना। तो देख लो भाई आज आगे मुलाकात हो गई। बिल्कुल मुलाकात होगी। अब मैं तो इनको यही कहूंगा कि बिल्कुल आप हमारे केदारनाथ आए, हमारे साथ आए, तो हमको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जिस दिन बुलावा आएगा उसी दिन हम भी पहुंच जाएंगे। सही बात है। जैसे कि लोकेश भाई पहुंचे हैं यहाँ पर, और अभी बढ़िया करके हमारे दर्शन तो हो गए। भाई ने अभी दर्शन नहीं किए, क्यों भाई? अभी जाएंगे हम। भाई लोग सुबह भारी थे, हम तो सोए थे, बहुत ठंड लग रही थी। ठंडा तो बहुत था, लोग बहुत भीड़ हो रही थी, रात को मिलना नहीं हुआ, और अभी सबसे मिल गए हैं। सही बात है। अभी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद दर्शन करने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। बाकी भाई यही पर मिले हमको हमारे दीपो भाई। भाई कैसे हो? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। हम ठीक है, आप बताओ? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इलाके में। और कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। और भाई से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और मिलके बहुत खुशी हुई भाई। आप तो पोड़े खा रहे थे आप? अरे हम ऐसे ही खाते यार, क्या बताए। शादी में मजे ले रहे हैं। वा, 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 वो भी और रुकी दर्शन करने के लिए यहाँ भी पहुंचे। हाँ, और शादी के मजे और रुकी ले रहे, खुद की हो नहीं रही। हो जाए, देखते हैं क्या होता है। भगवान के शरण में आ गए हो तो सब कुछ सही होगा। चलो इसी उम्मीद में दुनिया कायम है, तो हम भी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। अब चलो
हमारे साइड चलो कभी आएंगे आपके साइड उधर आएंगे आप हमारे साइड आए हैं पहले हमारे यहाँ चलो बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे तो भाई बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलके हमने तो दर्शन कर दिए हैं अब भाई लोग भाई लोग अब करेंगे कर दी। हाँ यार अरे वाह बड़े भक्त हो आप अरे क्या करें यार चलो चलो तुम्हें हेलो भाई और बाकी के इधर दूसरे भाई लोग हैं हेलो भाई ना भी क्या मैंने कहा ना नहीं यार ऐसा मत बोलो यार ना ना यार ये यार और सब बढ़िया बस बढ़िया यार है अरे पौने तो खा रहे और क्या कर रहे हैं लड़की मिल नहीं रही था देख लो उजाला भी हो गया है सामने रहा भगवान जी का मंदिर एक बार फिर से दर्शन कर लेता हूँ जय हो आपको ये देख लो भाई कितना मस्त लग रहा है बाकी भाई देख लो सूर्य देव भी आने वाले हैं ऊपर पहाड़ी देख लो कितनी लाल और प्यारी लग रही है यहाँ से आगे ब्रह्मपुरी है वहाँ जाना था पर वहाँ जाना कैंसिल हो गया है ठीक है भाई ठीक है ओके ठीक है छोटू ठीक है लाड लो जो भी है तो चलो तमें फिर मिलेंगे ओके बाय 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 अरे बेटे ठीक है तमें ओके बाकी मैं दोस्तों इधर है अपना झब्बू जुल्फिकार जो कि रात भर सोया नहीं और ठीक है भाई तब भाई के चैनल का नाम है झब्बू जुल्फिकार जरूर देखना और आना कभी हमारे यहाँ मैं तो बोल रहा हूँ मेरे साथ चल चलता मैं ठीक है बढ़िया करके सभी भाइयों से मिल गए हैं अब जल्दी जल्दी चलता हूँ जो मेरे साथ के भाई लोग थे वो तो आगे निकल गए हैं हाँ हाँ अभी काफी अच्छा लग रहा भाई सुबह भी हो गई और सुबह होते ही भगवान जी के दर्शन हो गए तो हम पहुंच चुके हैं पांडुचोरी में बाकी देख लो भाई सुबह सुबह का नजारा काफी गजब का है बाकी भाई दोस्तों देख लो सामने वाली पहाड़ियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं बाकी दोस्तों अभी हमको यहां से काफी दूर जाना है यानी कि जो सफर है वो अभी भी काफी लंबा है तो चलिए भाई अपने सफर में ऐसे ही चलते रहते हैं आप सामने देख सकते हैं भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को मस्त करके चरा रहे हैं काफी सारे भेड़ बकरे हैं भाई देख लो वाह सफर में चलते चलते हम एक जगह पे रुके हैं यहाँ पर कि भाई एक अंकल जी मूली बेच रहे हैं और माल्टे बेच रहे हैं काफी बड़े बड़े मूले हैं यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मूलियां हैं भाई बाकी भाई दोस्तों एक आंटी जी मिली मुझे ऊपर वो चल नहीं पा रही थी तो उन्होंने अपना बैग मुझे थमा दिया और मैं तो काफी आगे आ गया हूँ तो आंटी जी अभी तक नहीं आई चलो देखते हैं क्या होता है जनाब अच्छा और देख लो अंकल जी के पास काफी बड़े बड़े मूले हैं ये घर के है ना घोरा चाह नहीं घोरा अच्छा और सब ठीक ठाक बढ़िया ठीक तबीयत बढ़िया बढ़िया मैं छू अंकल जी रुद्रप्रयाग केदारनाथ केदारनाथ ठीक तब प्रणाम ठीक है छोटू भाई ओके भाई ओके अंकित भाई ने यहाँ से मूली खरीदी वो हमारे लिए बल घर पर बनाएंगे मूली के पराठे चलो ये भी अच्छी बात है भाभी के हाथ के मूली के पराठे ना ओहो तो ऐसा अभी हम कहाँ पहुँचे भाई अभी हम पहुँच चुके हैं पीट सैंड मार्केट अच्छा तो बाकी भाई दोस्तों हम पीट सैंड मार्केट पहुँच चुके हैं भैया लिफ्ट 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 ओहो अरे लौंडे वाह लौंडे वाह भाई वाह ऐसा मतलब धूम थ्री वाली फीलिंग दिला भाई वाह 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 मेरे भाई वाह और बाकी भाई एक आंटी जी का बैग है ये मुझे कहाँ पे रखना है मुझे समझ नहीं आ रहा भेजी 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 ठीक तो बाकी भाई दोस्तों ये बैग मैं यहाँ पर रखूंगा इधर आंटी जी के पास तो आंटी जी आएंगे यहाँ से ले लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाकी भाई दोस्तों ये जगह है पीटसैंड और यहीं से हमने अपना पैदल ट्रैक शुरू किया था यहीं पे आके ट्रैक खत्म हो गया यानी कि जो हमारा पैदल ट्रैक था वो यहीं से शुरू किया और यहीं पे खत्म तो चलो ये भी बढ़िया है काफी जल्दी पहुंच गए हम
और सफर में काफी मजा आया भाई। देख लो काफी सारे लोग मिले, काफी सारे सब्सक्राइबर मिले, बहुत अच्छा लगा भाई। तो हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ से घर निकलने के लिए। तो चलिए जी आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिंसर महादेव।